गाइस वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबकी विशेष भी ठीक से होंगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं अपने सिकलेट टैंक के अंदर साउंड फिल्टर रखने वाला हूं, जो कि थोड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से मैंने अपने दोस्त की मदद के साथ मैं उसको ऐड करूंगा, क्योंकि इतना 4 फिट का सम्प मेरे पास ऑलरेडी। अभी आपको दिखाता हूँ मेरा सम्प इसमें क्या लगाने वाला हूँ और प्लम्बिंग किस तरह करता हूँ। कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो के अंदर ही मैं आपको चला के दिखा दूँ। तो बगैर टाइम से करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सिकलेट टैंक है, इसके अंदर देख सकते हैं जो हम सिकलेट सभी लेके आए थे, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो और इसकी फ़िल्ट्रेशन का मसला बहुत शुरू से ही था मेरे पास, क्योंकि ये वाला फ़िल्टर यूज़ कर रहा था, इसका फ्लो बहुत तेज़ है। तो अब मैं इसके नीचे रखने वाला हूँ सम फिल्टर के बाद हम प्लम्बिंग करके उधर से इन एंड आउट करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी सम फिल्टर मैं दिखा दूँ, मेरे पास ये 4 फिट का सम रेडी है और बस इसको लीक वगैरह टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं, उठा के रखते हैं, फिर उसके बाद प्लम्बिंग करते हैं, देखते हैं कि आज कंप्लीट होता ही नहीं होता। ये रहा मेरा सम जो कि काफ़ी टाइम से छुपा के रखा हुआ था मैंने, अब इसको साफ़ वगैरह करेंगे और कोशिश होगी कि इसको ज़्यादा चला दें आज, क्योंकि बड़ा मज़ा आएगा इसको चलाने में। क्योंकि देखिए सब कुछ इसमें रेडी है, क्या 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 मोटर उधर से हम लेंगे, सारे जो मामलाते हैं। तो अब इसको थोड़ा वॉश वगैरह कर लेते हैं, वॉश वगैरह करके दिखाता हूँ, कर लेते हैं इसको वॉश और चेक कर लेते हैं कहीं लीक टेस्ट वगैरह कोई वो ना हो। सुमन पानी खोल। तो उसमें पानी वगैरह डाल के साफ कर लेते हैं अच्छी तरह, और चेक भी हो जाएगा कहीं लीक वगैरह तो नहीं है, कोई मसला वगैरह तो नहीं है, उसको वॉश भी हो जाएगा। मैंने वाटर टेस्ट कर लिया, कोई लीकेज वगैरह नहीं है, साफ़ भी कर दिया। साफ़ करते करते लग गई चोट, जो कि हमेशा मुझे लगती है, और ये जो हॉबीस्ट है उनको पता होगा कि ग्लास का शौक है, उसमें तो कहीं ना कहीं कट आ ही जाता है। तो माशाल्लाह लीकेज नहीं है। अब इसको साफ़ करते हैं, पानी निकालते हैं, फिर इसको अंदर रखना एक टाक से, वो अंदर रख के फिर प्लम्बिंग शुरू करेंगे। तो हम अच्छी तरह अपना सम को धो रहे हैं ताकि कोई बैक्टीरिया कोई डस्ट वगैरह ना रहे, अच्छी तरह अपने स्पंज से साफ़ कर रहे हैं। के बाद इसको रखेंगे, इसको रखने के लिए हमें इधर से मेरा हटाना होगा, ये हटाने के बाद हम इधर से इसको रखेंगे, बाकी जो प्लम्बिंग होगी वो देखते हैं। हमारा वो तो वॉश हो गया, अब वहाँ पे जो ये रैक है, रैक के नीचे की, क्योंकि सम रखने की जगह नहीं बनेगी, तो हम इस ग्लास को हटा रहे हैं। साइडों में सिलिकॉन वगैरह लगी हुई है तो उसे हटाएंगे, बाकी हमारा ये देखें चकाचक हो गया सम। 20 मिनट की मेहनत करने के बाद ये सिलिकॉन इधर से रिमूव करने के बाद जाके ये शीशा निकला है, बुरा हाल हो गया हमारा, लेकिन शुक्र है ये निकल गया। अब इसमें रखेंगे हम सम फिल्टर अपना, सम फिल्टर रखने के बाद फिर देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। शुक्र है भाई ये निकल गया, ये हमारे सम फिल्टर का रास्ता बन चुका है। अब सम फिल्टर में रखेंगे, बाकी वो मेरा बायोमीडिया रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ सब कुछ। ये हमारे सम की जगह क्लियर हो चुकी है, लेकिन शायद हम इधर से इसको भी निकालना पड़े तो उसको निकाल देंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ अपना बायोमीडिया। ये मेरे पास बायोबॉल, ये चारकोल, ये स्टोन्स वगैरह 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 काफ़ी कुछ है, ये स्पंज वगैरह है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बस दुआ करें यार ये चल जाए बस। तो गैस फिल्टर, ये सम फिल्टर तो हमने रख दिया और साफ़ सुथरा भी कर दिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हमें ये आई कि इस जो इसकी हाइट, जिसकी जो विड्थ है, उसकी वजह से ये जो इतना आयरन बाहर निकला हुआ है इसका, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हम सीधा करके नहीं रख पा रहे ऐसे, तो अब इसको मैं किसी के आयरन कटर से, इंशाल्लाह किसी एक्सपर्ट से इसको तरह तरह कटवा दूँगा, ताकि हमारा सम इधर ईजीली आ जाए। और प्लम्बिंग वगैरह का सारा सामान वामान सब रेडी था, ये देखें ये सब इन एंड आउट सब रेडी था। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, हो जाता है, क्योंकि थोड़ा आधे इंच का वगैरह डिफरेंस आ गया। बाकी ये रैक, ये सेटअप मैं ऑन करने वाला हूँ, जो इधर मेरा एक डैमेज एक्यूरियम था वो मैंने बाहर निकाल दिया उसको, बाकी इन सब एक्यूरियम को भी सेट करेंगे। और अब इस एक्यूरियम, इस सेटअप को भी रेडी करना है मुझे, तो इसके ऊपर भी एक अपडेट आएगी। फ़िलहाल अभी हम सफाई कर देते हैं थोड़ी, तो फिलहाल ये जगह साफ़ कर दी हमने, और ये मेरे रूम में एक
रोस्टर लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि मेरा जो ये छोटा सा गोट फार्म था और ये जो फिश वगैरह का है काम मेरा, इसका ए बी फार्म करके नाम है, और ये सेटअप इंशाल्लाह जल्दी रेडी होने वाला है बस। और बाकी पूरी चीज़ें ये सब रेडी इधर रख दी हैं, और इस टैंक के अंदर इंशाल्लाह जल्दी सम फिल्टर आ जाएगा। बाकी ये एक साइड जो मेरी रनिंग है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग ये एरिया भी ऑन देखेंगे लाइट्स वाइट्स के साथ हर चीज़ के साथ। तो गैस आज की ये हमारी अपडेट थी, जो कि अनसक्सेसफुल रहे, हम लोग थोड़ा सा आधे इंच की वजह से हमारा काम सारा रुक गया, तो इंशाल्लाह इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।